आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश भर में गेहूं के बाद अब चावल के दाम बढ़ गए हैं। जून जुलाई में ही चावल करीब 30% महंगा हो गया है। किसी समय 25 रुपए किलो मिलने वाला टूटा चावल 30 से 35 रुपए किलो मिल रहा है। इसके साथ ही साबुत चावल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। बासमती चावल पहले 60 रुपए किलो मिल रहा था, आज उसके दाम बढ़कर 80 रुपए किलो हो गए हैं। वहीं साथ ही टुकड़ा बासमती जो कभी 30 रुपए किलो मिलता था, वो आज 40 रुपए किलो से कम नहीं मिल रहा है। इस साल भारत में धान की बुआई का रकबा घटा है। बीते जुलाई के आंकड़ों के अनुसार इस साल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे धान उत्पादक राज्य में काफ़ी रकबा कम हुआ है। तभी तो धान की कुल बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 13.3% घटी है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले 37.70 लाख हेक्टेयर घटा था। यदि 1 हेक्टेयर में औसत 2.6 टन उपज भी जोड़ा जाए तो धान की उपज में 100 लाख टन की कमी आई है। भारत ने साल 2021-22 में दुनिया भर के 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात किया। इनमें से लगभग 75 देशों को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात हुआ। केंद्र सरकार के पेश आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 में 2015 मिलियन डॉलर की गैर बासमती चावल का निर्यात किया था, जो 2020-21 में बढ़कर 4,799 मिलियन डॉलर और 2021-22 में 6,115 मिलियन डॉलर हुआ। वर्ष 2021-22 में 27% की वृद्धि दर्ज करते हुए गैर बासमती चावल का निर्यात 6,115 मिलियन डॉलर रहा। वहीं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस साल चावल के निर्यात को ज़्यादा रहने के आसार जताए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है, बांग्लादेश हमारे चावल का परमानेंट कस्टमर नहीं है, चावल वहां का प्रमुख खाना है, लेकिन वहां जब धान की फसल ठीक होती है तो भारत से चावल नहीं मंगाता, जब वहां धान की फसल खराब हो जाती है तो भारत से चावल मंगाया जाता है। इस साल वहां से चावल की डिमांड है, इसलिए बांग्लादेश सरकार ने चावल पर आयात शुल्क भी घटा दिया है, इसलिए भारतीय बाजार में इसके दाम बढ़ गए हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में चावल खाने में इस्तेमाल किया जाता है। जिन राज्यों में चावल ज्यादा खाया जाता है वहीं इसकी खेती भी ज्यादा होती है। पंजाब और हरियाणा इसके अपवाद हैं। इन राज्यों में मुख्य खाना रोटी है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लिए वहां के किसान धान की खेती करते हैं। भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम और हरियाणा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।